नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे कि स्कूल और कॉलेज। बिना परीक्षा कॉलेजों और स्कूल की बड़ी कक्षाओं के छात्रों को इस समय सर्टिफिकेट देना कोई बेहतर कदम नहीं है। इस समय में वर्चुअल कक्षाओं ने इंटरनेट को भी शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है, लेकिन हमने ये भी जाना कि देश के एक बड़े वर्ग के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही कंप्यूटर और ना ही इंटरनेट की सुविधाएं हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि संकट की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा सही है, लेकिन इसे परंपरागत ज्ञान की कक्षाओं का विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। 1 जनवरी से केरल, कर्नाटक और असम के स्कूलों को दोबारा से खोला गया है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार 4 जनवरी 2021 से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोल दिया गया है। महाराष्ट्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 जनवरी से स्कूलों को खोल दिया गया है। इसमें COVID-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और सिक्किम से पहले से ही स्कूल आंशिक रूप से खुल चुके हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मुंबई में महामारी के नए स्ट्रेन को देखते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। पश्चिमी बंगाल ने इस साल ना तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएँ होगी और ना ही स्कूल खोले जाएंगे। अब जब धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, ये सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। महामारी के बीच विद्यालय एवं पयूषी को खोलने को लेकर देशभर में कुछ विरोध भी है, जबकि कई लोगों का विचार है कि सुविधा कदमों के साथ विद्यालयों और कॉलेजों को खोला जाना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादातर निर्धारित है, जिससे इसके मजदूरी के करने के मामले को सामने आए हैं। महामारी के प्रयास पर अंकुश लगाने के लिए दुनिया भर में स्कूलों को बंद रखने से कई स्वास्थ्य जोखिमों का पता चला है। इसमें सबसे अधिक बच्चों पर प्रभाव है। कई बच्चे स्कूल के भोजनों से चूक गए हैं, उन पर मानसिक स्वास्थ्य के नकारात्मक प्रभाव देखे गए। भारत में स्कूल क्लोजर से नए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकित 247 मिलियन बच्चों और 28 मिलियन बच्चों को प्रभावित किया है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल शिक्षा में भाग ले रहे थे। महामारी ने नवजात शिशु दर और शिशु मृत्यु दर में भारत द्वारा दिए गए प्रयास के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है, जिससे हाल के वर्षों में सुधार देखा। देश भर के सरकारी स्कूलों ने पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं पर बेहतर पहुंच की पहले से कमी है, वह बंद और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब जब छात्र और शिक्षक स्कूल लौटते हैं तो उनकी अधूरी शिक्षा के साथ स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की तैयारी होगी। ये एक अलग तरह की चुनौती होगी। साफ सफाई के साथ उनके लर्निंग गैप को रोटेशन के साथ पूरा करना चाहिए, बड़ी चुनौती होगी। छात्रों के पास 4 माह का समय है। इस वर्ष बदले पैटर्न के परीक्षाएं होगी, क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम किया गया है। हटाए गए सिलेबस पर ही बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी। अभिभावकों की चिंता यह भी है कि इन परीक्षाओं से पहले अलग अलग शिक्षा बोर्डों से जुड़े स्कूल प्री बोर्ड परीक्षाएँ लेने की तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। स्कूल वालों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराने से बच्चों की गलती पकड़ कर ठीक कर लिया जाएगा, जिससे बच्चों की क्षमता पर असर पड़ेगा। विभागों की इस समय बच्चों को केवल स्कूली परीक्षा के लिए तैयार करने में भरपूर सहयोग को देना ही चाहिए, साथ ही जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी सीख देनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होती है। ये परीक्षाएं छात्रों का भविष्य तय करती है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये परीक्षाएं ही तय करती हैं। बिना परीक्षा के छात्रों को पास करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चीन एक बढ़ती और आक्रामक महाशक्ति भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा है, और पाकिस्तान के साथ चीन के कंटेनर भारत की रणनीति के लिए खतरा बने हुए हैं। इसे देखते हुए भारत के लिए 2 मोर्चों के खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इस काल में कई मोर्चों पर एक चुनौतीपूर्ण रहा है। महामारी के बावजूद कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। इन शिखर सम्मेलनों में भारत ने समस्या के संभावित समाधानों पर चर्चा करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ना केवल महामारी के मोर्चे पर बल्कि चीन ने भारत के लिए और यहां तक कि हिंद महासागर में कई चुनौतियों का सामना किया। भारत ने खड़े होकर कुछ साहसिक कदम उठाए। नई दिल्ली को कई समान विचारधारा वाले देशों ने चीन से दूर रहने की कोशिश में शामिल किया। कवाड़ को मजबूत किया गया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ। और भी बहुत कुछ
था जो वर्ष के साथ साथ प्रसारित हुआ। महामारी के कारण भारत ने आत्मनिर्भर होने में ध्यान केंद्रित किया, जैसे RCEP से बाहर चलना और सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश। हम कई वर्षों के बाद चीन के साथ ब्रेकिंग तक पहुंच गए हैं। वर्तमान ध्यान आर्थिक पतन और चीन की आक्रामकता का सामना करने पर है। भारतीय सेना ने चीन को हम अपना सामना करने के लिए तैयार है का जज्बा दिखाते हुए लद्दाख में ऊंचाइयों पर रणनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया है। मेडिकल डिप्लोमेसी से वैक्सीन का उत्पादन, दवाओं की आपूर्ति, PPE किट और वेंटिलेटर द्वारा भारत की विदेश नीति के लिए नया अतिरिक्त फायदा हुआ है। चीन से ध्यान हटाने के लिए स्थायी, लचीला और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं से हमारे सहयोगी देशों ने संबंध स्थापित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने गैर राज्य अभिनेताओं का उपयोग करके शहर युद्ध छेड़ने के लिए भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति की आधारशिला के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। हमने पाक के अंदर आतंकी लॉन्च पैड्स का जवाब दिया है। अब भारत को लगातार चीन और पाक के दबदब से निपटने की जरूरत है। भारत ने हमारी वैश्विक भूमिका को रेखांकित करने के लिए ब्रिक्स, सार्क, आसियान, SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थितियों का मुकाबला करने के लिए कवाड़ एक मजबूत निकाय के रूप में उभरा है। पिछली शताब्दी के दौरान भारतीय रणनीतिक सोच पाकिस्तान के वहां से निकलने वाले सुरक्षा विचारों पर अत्यधिक केंद्रित थी। हालांकि हाल के दशकों में भारत की सैन्य समझदारी इस दृष्टिकोण पर दृढ़ है कि चीन पाकिस्तान सैन्य खतरा एक वास्तविक संभावना है। मई 2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ और बातचीत में गतिरोध ने अब चीन सैनिकों के खतरे को और अधिक स्पष्ट और वास्तविक कर दिया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने संकेत दिया है कि पूर्व लद्दाख में चीन की तैनाती से मेल खाते हुए पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में 20,000 सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया था। ऐसे देखते हुए भारत के लिए दो मोर्चों के खतरे के लिए तैयार रहना समझदारी होगी। चीन पाकिस्तान सैन्य संपर्क बढ़ा है। चीन पाकिस्तान संबंध कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले से कहीं अधिक गंभीर प्रभाव आज भी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव के लिए काउंटर के रूप में देखा है। चीन अपनी चेकबुक कूटनीति के माध्यम से दक्षिण एशियाई पड़ोसियों पर इस आध्यात्म का प्रयोग करना चाहता है। इस खोज में चीन सीमा टकराव पर भारत के आर्थिक संसाधनों को खत्म करना चाहेगा। इस समय चीन द्वारा अपने पड़ोस में भारत की भूमिका को कम करने के लिए एक रणनीति हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान देशों के बीच संबंध मजबूत हुए और उनकी रणनीतिक सोच ने बहुत बड़ा तालमेल है। इससे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसके अलावा सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। चीन के साथ 2015-2019 के बीच पाकिस्तान के कुछ हथियारों के आयात पर 73% हिस्सा है। ऐसे में भारत को सुरक्षा सिद्धांत विकसित करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता होगी। हमारा ध्यान विमान, जहाज और टैंक जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित है और भविष्य की तकनीक जैसे कि रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आदि पर पर्याप्त नहीं है। हमें चीन और पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की रणनीति के विस्तृत आकलन के आधार पर सही संतुलन बनाना होगा। दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में संबंधों में सुधार भारत के साथ कुछ शुरू करने के लिए सब पहले पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम करेगा, ताकि चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत को शामिल करने और विवश करने का प्रयास ना करें। ईरान सहित पश्चिमी एशिया में महत्वपूर्ण शक्तियों की सरकार की वर्तमान व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो, समुद्री सहयोग बढ़े और वास्तविक पड़ोस में सद्भावना बढ़े। रूस के साथ संबंध में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों के पक्ष में रूस के साथ पहले संबंधों का बलिदान नहीं हो, ताकि रूस भारत के खिलाफ एक क्षेत्रीय गिरोह की गंभीरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कश्मीर के लिए एक राजनीतिक आउटरीच पीड़ित नागरिकों को शांत करने के उद्देश्य से उस छोर की ओर एक लंबा रास्ता तय करने की योजना पर काम करना होगा। हमें विश्व व्यवस्था में सुधार वाले बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संस्थानों में एक सोच वाले देशों की तरह संलग्न रहते हुए पाक और चीन से लड़ने की जरूरत है।
भारत ने अपनी चिकित्सा कूटनीति द्वारा दुनिया के लिए अपनी परोपकारिता दिखाई है। इसके अलावा चीन, भारत और प्रशांत क्षेत्र के साथ शांतिपूर्ण सीमाओं को बनाए रखने के लिए, चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और US जैसे बड़े देशों के करीब आया है। चीन एक बढ़ती और आक्रामक महाशक्ति भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा है और पाकिस्तान के साथ चीन के कंटेनर भारत की रणनीति के लिए खतरा है। इस संदर्भ में ये निश्चित है कि युद्ध के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसलिए हमें इस आकस्मिकता से निपटने के लिए सिद्धांत और क्षमता दोनों विकसित करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। किसान अंबानी समूह पर टूट पड़े हैं। कंपनी के मुताबिक पंजाब में रिलायंस के 2000 टावर तोड़ डाले गए हैं। रिलायंस के कर्मचारियों को पीटा जा रहा है। रिलायंस ने कोर्ट में आवेदन कर रखा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ना तो कोई इरादा है और ना उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई है। लोग अभी अडानी के प्रोडक्ट नहीं जानते। इस कंपनी ने अहमदाबाद में किराने की दुकान से कारोबार शुरू किया और तमाम मोहल्ले के अडानी नाम से दुकानें खोली गई। मोदी से निकटता के साथ अडानी ग्रुप लगातार बढ़ता गया और आज गौतम अडानी महज 20 से 25 साल के किराना दुकानदार से देश के सबसे अमीर आदमी बन गए। हालांकि अब कंपनियों के हाथ में प्राकृतिक संसाधन ही दे दिया जा रहा है जिससे जनता की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनियों को बढ़ाने में पब्लिक अहम है। कम से कम रिलायंस समूह इससे वाकिफ है। पब्लिक नाराज हो तो कंपनी को बर्बाद होने में 6 महीने नहीं लगेंगे। अब इन कंपनियों को होस्ट तो सरकार के कहना चाहिए कि सरकार अब जनहित में काम करे। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। भारत में हिंदू दक्षिणपंथी के मौजूदा स्तर पर पहुंचने से बहुत पहले जावेद अख्तर ने किसी पत्रिका में कुछ इस तरह की बात लिखी थी कि हिंदुओं में सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं पर है। आज पूरे देश में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उसे देखते हुए इन बिंदु को उठाना गलत जान पड़ता है, लेकिन शायद इस बिंदु को उठाए बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। मूलतः सभी धर्मों का आधुनिकता से विरोध रहा है। आधुनिकता की पैदाइश ही ईश्वर के शब्द में गुजर कर हुई। मुसलमान की मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई की है, फिर भी मैं मुसलमान पर कुछ कहने से बचता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इस दौर में आदमी की बात से ज़्यादा उसकी पहचान मायने रखती है। फिर भी जिस तरह मेरे कुछ दोस्त इस्लाम की हर आलोचना को इस्लामोफोबिया कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वह संप्रदायप्रद है। हाल ही में देखा गया कि एक मुसलमान युवा ने अपने ट्विटर बायो में लिख रखा है कि हिंदू डी रेडिकलाइजेशन सेंटर चलाएगा। ऐसे धर्मार्थ लोग समझ नहीं पाते कि दूसरे धर्मों को डी रेडिकलाइज करने के बारे में ऐसे बेतुके बयान सांप्रदायिकता की आधारशिला है। दुनिया भर के सांप्रदायिक आंदोलनों को कमोवेश जानने की कोशिश के बाद मेरी राय यही बनी है कि धार्मिक सांप्रदायिकता से उसी समुदाय को लड़ना होता है जिसका समुदाय दूसरे धर्मों को जितना सुधारने की कोशिश करता है, इसका परिणाम उतना ही नकारात्मक होता जाता है। इसलिए सभी सहृदय मित्रों से अनुरोध है कि अगर दूसरों की आलोचना कीजिए, लेकिन थोड़ा अपने अंदर भी झांक लिया कीजिए। मैं इस विषय पर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता। अगर आपको ये विचार पसंद ना आए तो अनदेखा कर दीजिए या मुझे माफ़ कर दीजिए। आभार डॉक्टर सत्यवंत सौरभ, प्रियंका सौरभ एवं भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद दी डॉन एक्सप्रेस।